मैं अपनी सखियों के साथ सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, वहां गंगा स्नान करूंगी और हम लोग वहां पर धर्म यात्रा करेंगे। चंदन हो सखी भी सह न मया सह, सहेलियों के साथ मेरे साथ नहीं, विषादम नाच्यति, वो क्रोधित होता है। मल्लिका आम, हाँ आम कर तो है हाँ। चंपा गोरी माया मोहिनी कपिला दया सर्वाह गच्छन्ति, चंपा गोरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रहे हैं, अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में फिर चलेंगे। तावत गृहं व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहनं व्यवस्थां च परिपालनाय, तब तक आप घर की व्यवस्था, गाय का दुग्ध दोहन की व्यवस्था आदि का पालन करें। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 18, सेकंड सीन बता रखा है इसमें। चंदन हो अस्तु गच्छ, अच्छा जाओ। सखी भी ही सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव, सहेलियों के साथ में धर्म यात्रा आनंदित होवे। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, शिवास्ते संतु पंथानः, मैं सबका पालन परिपालन कर लूंगा। आपकी यात्रा, आपका पथ क्या हो, शिवास्ते हो, मंगलमय हो। चंदनः मल्लिका तू धर्म यात्रा ये गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा पे गई है। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशश्च प्रबंधम करिष्यामि, मैं दुग्ध दोहन करके अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः, दूध का पात्र हाथ में लेकर, नंद्याः समीपम गच्छति, गाय के पास में जाता है। उमा वहां पर एंटर होती है। मातुलानी का अर्थ होता है मामी जी, है ना, मामी जो होती है ना, मामा की जो वाइफ होती है उसे कहते हैं मातुली। तो मातुलानी मामी जी। चंदनः उमे, अहम तो मातुलः, उमा मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मातुली अर्थात तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कतियः किम ते प्रियम करवाणी, कहिए तुम्हें मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उमा मातुलः मामा पितामहः कथयति, दादाजी ने कहा है, मासा अनंतरम अस्मत गृहे महोत्सवः भविष्यति, इस महीने के बीच में हमारे घर में एक महोत्सव होगा। तत्र त्रिंशत सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 30 किलो दूध की अपेक्षा की गई है, मतलब जरूरत होगी। ऐसा व्यवस्था भवदी करनिया, इसकी व्यवस्था आपको करनी है, आप दोनों को करनी है। चंदनः मन प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन से कहता है, त्रिंशत सेटक परिमितम दुग्धम अच्छा शोभनम, चंदन कहता है कि खुश होता हुआ कहता है कि 30 किलो दूध अच्छा, दुग्धम व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति व्यक्तम, ये आप अपने दादाजी को कह देना। उमा धन्यवाद मातुलह, धन्यवाद मामा जी, सा निर्गता, और वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका तृतीय दृश्य देखेंगे। इससे पहले आपको इसका होमवर्क है कि आपको ये इस पूरे का अर्थ करके देखना है कि इसमें आपको कहीं कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है। थैंक यू।